हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं करने वाली हेयर स्ट्रेटनिंग, वो भी घर पे, और मैंने यूज़ किया है स्ट्रिक्स की जो स्ट्रेटनिंग किट आती है उसे। मैंने यूज़ किया इंटेंस वाले को, और बाकी जो डिटेल्स है वो मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगी। और बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं स्ट्रेटनिंग करने में, चाहे आप पार्लर में करवाओ या फिर आप घर पे करवाओ, सारे प्रोसीजर तो सेम ही होते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बगल में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं कुछ जो बेसिक डिटेल्स है इस स्ट्रेटनिंग किट के बारे में पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, उसके बाद मैं इसे यूज़ करती हूँ एंड आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताती हूँ कि मैंने इसे घर पे कैसे यूज़ किया। तो मैंने स्ट्रेटनिंग के लिए यूज़ किया है स्ट्रिक्स की कैनवोलाइन स्ट्रेटनिंग किट, और मैंने यूज़ किया इंटेंस ज़ीरो वाली जो किट होती है उसे। और ये जिनके हेयर में हिना लगा रहता है वो लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको मिलने वाली है एक स्ट्रेटनिंग क्रीम, और दो पैक जो है वो मिलने वाले हैं न्यूट्रलाइज़र के। जो स्ट्रेटनिंग वाली क्रीम है जो ट्यूब में है वो पहले लगानी है, एंड जो न्यूट्रलाइज़र है उसे बाद में। तो आप मेरे हेयर को देख लो कितने वेवी हैं। और सबसे पहले आपको यूज़ करनी है एक सल्फेट फ्री शैम्पू, तो मैं यूज़ कर रही हूँ मॉम्स को की नेचुरल प्रोटीन शैम्पू। तो मैंने हेयर वॉश कर लिया है, और आपको किसी भी तरह की मास्क और कंडीशनर नहीं लगानी है शैम्पू के बाद। तो मैंने अपने हेयर को ड्राई कर लिया है अच्छे से, और आप मेरे हेयर देख लो शैम्पू के बाद मेरे हेयर कितने वेवी हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए स्ट्रेटनिंग के बाद कि मेरे हेयर कितने स्ट्रेट हुए हैं। तो आप अच्छे से देख लो। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ स्ट्रेटनिंग वाली क्रीम को, और अपने बालों को कर ले रही हूँ अच्छे से सेक्शन, ताकि थोड़े थोड़े सेक्शन लेके मैं आराम से उसे अच्छे से लगा लूँ। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम जो स्ट्रेटनिंग वाली क्रीम लगाते हैं उसे 1 इंचज़ या 2 इंचज़ अपने हेयर से दूर लगाए, ताकि वो जो है वो आपके रूट में वो क्रीम नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो आपके हेयर ख़राब हो सकते हैं, हेयर फॉल स्टार्ट हो सकते हैं। तो अगर आप घर पे स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं तो इस चीज़ का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखें कि आपके जो हेयर के रूट्स है उसमें ये वाली स्ट्रेटनिंग वाली क्रीम ना लगे, और काफ़ी ध्यान से लगाइएगा। तो यहाँ पर मैं अपने हेयर में खुद से लगा रही हूँ, और अगर आप किसी की हेल्प लेना चाहो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि खुद के बालों में अगर आप लगाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप किसी के हेल्प ले लो तो वो ज़्यादा सही होता है। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी अपने हेयर में लगाने में, लेकिन फिर भी मैंने पूरे हेयर में अच्छे से लगा लिया। अपने रूट्स को बिल्कुल भी मैंने टच नहीं किया है, और इस क्रीम को बिल्कुल भी अपने रूट्स में नहीं लगने दिया है। ये क्रीम अच्छे से लगने के 10 मिनट के बाद ही आपको अपने हेयर को चेक करना है कि वो जो है उसकी बॉन्ड टूटी है या नहीं टूटी, और आपको उसे ऐसे चेक करना है अगर वो पूरी फ्लेक्सिबल हो गई है, अगर वो आपके हेयर के लेंथ से डबल अगर वो स्ट्रेच हो रही है, या फिर आप जब उसे स्ट्रेच कर रहे हो और फिर वो नॉर्मल हो जा रही है तो वो एस बन रही है बहुत सारी, तो फिर वो आपकी बॉन्ड टूट चुकी है, और आप हेयर वॉश कर लीजिए। यहाँ मैं हेयर वॉश करके अपने हेयर को ड्राई कर रही हूँ। तो मैंने जो पहली वाली स्ट्रेटनिंग वाली क्रीम थी उसे लगभग 25 मिनट तक रखा अपने हेयर पे, और मेरी जो हेयर की बॉन्ड थी वो टूट गई थी, बहुत सारे एस बन रहे थे स्ट्रेच करने पे। और फिर अब ये मैं ड्राई कर ले रही हूँ अपने हेयर। ड्राई होने के बाद मेरे हेयर कुछ ऐसे लग रहे हैं फर्स्ट वाली क्रीम के बाद। और अब मैं स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ, और स्ट्रेटनिंग काफ़ी अच्छे से करनी है। कम से कम आपको एक छोटे से सेक्शन पे 10 से 15 बार अपने हेयर को स्ट्रेट करना है, ताकि वो बिल्कुल भी शाइन वाली जो होती है ना, शाइन वाली हेयर आपकी हो जाए स्ट्रेट। तो वैसे ही मैं स्ट्रेट कर रही हूँ, काफ़ी अच्छे से ध्यान दे के स्ट्रेट कीजिएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब आप अपनी स्ट्रेटनिंग वाली जो क्रीम है उसे लगा लेंगे, आपके हेयर के बॉन्ड टूट जाएंगे, और फिर आपको हेयर वॉश करना होगा, तो आप नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करेंगे, आप किसी भी तरह के शैम्पू कंडीशनर या फिर सीरम यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ मैं अपनी स्ट्रेटनिंग को कंप्लीट कर चुकी हूँ, बस थोड़ी बहुत और मैं एक दो बार आयरनिंग कर ले रही हूँ अपने हेयर में, ताकि वो अच्छे से स्ट्रेट रहे। और आयरनिंग के बाद मेरे हेयर कुछ इस तरह के दिख रहे थे। तो अब मैं न्यूट्रलाइज़र लगाने वाली हूँ अपने हेयर पे, और न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद आपको ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, आपको एक जगह पे बैठना है और ज़्यादा हिलना नहीं है, ताकि आपके हेयर इधर उधर ना हो। और न्यूट्रलाइज़र अगर आपके रूट्स पे लग भी जाते हैं तो वैसी कोई बात नहीं, बट मैंने एहतियात किया है और मैंने अपने रूट्स पे नहीं लगने दिया है। न्यूट्रलाइज़र को मैंने अपने हेयर पे 25 मिनट्स तक रखा था, और उसके बाद जब मैंने हेयर वॉश किया तो मैंने 5 मिनट्स के लिए लॉरियल एक्सटेंसो की जो मास्क आती है उसे भी यूज़ किया था।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो, और अगर आपको यूजफुल लगी तो इसे प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए, न्यू प्रोडक्ट के रिव्यूज़ एंड कंपेरिजन वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।